राजस्थान के कोटा हाड़ौती क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात और आर्थिक नुकसान का जायजा लेने सोमवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहां पहुंची। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के साथ कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजे ने सीएम गहलोत पर भी निशाना साधा। राजे ने कहा कि ऐसे हालातों के बाद भी सीएम गहलोत खुद स्थिति देखने के लिए यहाँ नहीं पहुँचे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सीएम को खुद आकर स्थिति देखनी चाहिए। ऐसा करने के बाद उनके लिए अधिकारियों को सही निर्देश देना आसान हो जाएगा। सुनिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने क्या कहा। दोनों ने हम लोगों ने 12 जिले के सीसवाली, मांगरोल, छिपाबड़ोद, शाहबाद, बीरखेड़ा डांग, कवाई, छिपाबड़ोद, इन सब एरियाज के अंदर दौरा किया और हम लोगों ने ये देखा कि बाढ़ की वजह से, अतिवृष्टि से प्रभावित जो क्षेत्र था उसकी क्या हालात थी वो हवाई निरीक्षण करते हुए हमने देखने की कोशिश की। पानी तो बहुत पड़ा था जो जहाँ जहाँ हम गए थे, अभी भी पानी है। हाँ, थोड़ा सा रिसीव हुआ है परंतु फिर भी पानी बहुत सारा था। मेरे को ध्यान आता है कि रास्ते में जो देखा, कोटा से होते हुए जो आ रहे हैं वहाँ भी यही स्थिति देखने को मिली है और हालात तो बहुत खराब मानती हूँ। तो ये सिर्फ खाली 12 और झालावाड़ की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे आपके हाड़ौती एरिया की प्रॉब्लम है। पिछले 10 दिन में जो ये बाढ़ हुई है उसमें मैं देख रही हूँ कि सरकार नहीं दिख रही, उन्हें सबको अपने हालात पे छोड़ दिया है। जहाँ जहाँ मैंने फ़ोन किया वहाँ मेरे को ये, और जहाँ जहाँ लोगों ने फ़ोन किया उसे मेरे को ये पता है। मैं देख रही थी कि ऐसे टाइम में नॉर्मली मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, हवाई दौरा या हवाई निरीक्षण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ज़्यादातर ये जो आजकल का ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है इसी के थ्रू नहीं परंतु पर्सनली जाने की कोशिश करते हैं। जब ये साइक्लोन आया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी घूमे, उसके बाद आपने देखा शिवराज जी ने अपने क्षेत्र के अंदर जब मध्य प्रदेश में मुसीबत पड़ी तो उन्होंने भी दौरा किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बाहर अभी तक निकल के आए हैं, क्यों नहीं उन्होंने दौरा किया। वीसी करने के लिए तो वैसे भी बहुत टाइम होता है और ये तो एक दफ़ा देखने के बाद, तो आँखों देखा हाल जब होता है तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देना और जो वीसी के थ्रू अभी कर रहे हैं उसमें बड़ी ज़्यादा सहूलियत और आसानी हो जाती है। मैंने ये देखा कि फसल की हालात तो बहुत ही खराब है पूरी। मैं नहीं मानती हूँ कि 70% या 60% हालात में मतलब फसल खराब हुआ है, ऑलमोस्ट 100% बर्बादी दिखने को आ रही है। पानी मैंने दूर दूर तक फैला हुआ है और अगर संभागीय आयुक्त कहते हैं कि 30% की हुआ है नुकसान, तो मैं समझती हूँ कि ये तो आंखों में धूल झोंकने की बात है। जो बर्बादी हुई है वो बहुत बड़ी मैंने स्कोप में हुई है और मैं समझती हूँ कि इन लोगों को फील्ड में जाके उसको देख के और सही रिपोर्टिंग करने का काम उनको लेना चाहिए। 12 झालावाड़, कोटा और बूंदी में ज़्यादा से ज़्यादा इलाके अभी जहाँ मैंने देखा है आज, आई डिडंट एक्सपेक्ट इतना, परंतु जलमग्न है। सोयाबीन, चावल, उड़द, मक्का, ज्वार, ये जो हाड़ौती के किसानों ने तो बोया था वो ज़्यादातर मैं समझती हूँ कि नष्ट ही हो गया। और
एक तरफ मैं देख रही हूँ जनता रो रही है, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ सरकार सो रही है। उनको ज़रूरत है कि जल्दी जल्दी बाहर निकलें, घूमें, देखें, लोगों से एक किस्म से डायलॉग करें। आज सर्किट हाउस में यहाँ बैठे बैठे हम लोगों ने बात की है कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से और जिला अधिकारियों से, और उनको यही कहा है कि आज नहीं कल नहीं तुरंत जितनी भी मदद हम लोग कर सकते हैं उसको जनता तक पहुंचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इस मीटिंग के अंदर दोनों हमारे एमएलए साहब चिंता पर्वत वाले बल्लू जी और साथ में हमारे एमपी साहब किशन सिंह जी दोनों मौजूद थे, और जगदीश मीणा जी हमारे जो 12 के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से हमारे पास फीडबैक 2-3 दिन से हो रहा है, वो भी हमको मिला है। और कल मैं झालावाड़ का दौरा करने वाली हूँ और वहाँ की लोगों की पीड़ा की को भी समझने की कोशिश करूँगी मैं, और मैं समझती हूँ कि जो मैंने यहाँ देखा है वो ज़्यादातर वहाँ भी देखने को मुझे मिलेगा।